नमस्ते। आइ हमरा सबके बीच में अतिथि छथि श्री प्रसाद शाह, नेकपा प्रचंड माधव नेपाल समूह के केंद्रीय सदस्य छथि। खास कऽ काल्हिखन जे संसद पुनर्स्थापना भेल छै, एहिके बाद नेकपा के राजनीति, पार्टी के अवस्था, ई तमाम विषय वस्तु के जोड़ि कऽ हमसब आइ हिनका संगे गपशप करब। सबसे पहिने स्वागत करी श्री प्रसाद जी। धन्यवाद। अपने सबके तो बधाई। नहीं, हमरा सबके मात्रे नहीं, अपना सब आदमी के, लोकतंत्र प्रेमी सब गोटे के, गणतंत्र के पक्षधर सब आदमी के, प्रतिगमन के मतियार सबके मात्रे शोक के दिवस है। आम जनता, आम नेपाली, आम मतदाता, आम लोकतंत्र प्रेमी, देशी विदेशी मित्र सबके के बधाई के दिन है। आपने आप जे राजनीति काल्हि खान, शंकर पोखरेल लगायत जे नेता सबके सर्वोच्च अदालत के फैसला अयला के बाद में, या आम जनता के सेहो एकटा अवस्था ई बुझा रहल छै जे ई आब राजनीति सहज रूप से देश के अवस्था आगा नहीं बढ़तै, जे विगत के राजनीति में विकृति सब छले ओकरा सब के आब सर्वोच्च अदालत के आदेश से आत्मसात कर लेते, अवस्था इएह छै। हमरा ये नहीं लग रहा है। देखल जाओ, हम सब सकारात्मक सोच के साथ अगाड़ी बढ़े। वास्तव में संविधान सभा के दुदुटा चुनाव के बाद 72 साल में बनल संविधान के सफल कार्यान्वयन के लागी जे सर्वोच्च अदालत तत्परता, ऐतिहासिक मतलब निडरता देखल के तैके लागी सर्वोच्च अदालत के सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश लगात संपूर्ण बेंच के, संपूर्ण सर्वोच्च अदालत परिवार के कतनों भी धन्यवाद दिल जाए ते कमे हेतु। कियाक तो आम आशंका कल गया छे इस पहलका पहलका 2047 साल के संविधान के टेक के 3-4 विघटन भेल, कहियो पुनर्स्थापना भेल, तैयो चाहे सदरों भेल, तो अहमत बहुमत के फैसला भेल रहे। लेकिन एम की बेर यूनमस अर्थात संविधान के लेटर स्पीड और नेपाली जनता के भावना अनुसार जो फैसला भेल, तो हमरा नहीं लग रहा है कि संविधान के परिकल्पना कल गेल धारणा के विपरीत संसद आब जेती। हाँ, स्वाभाविक ढंग से किनका अब जब ये 2/3 झंडे निकट के बहुमत भेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जे नेता के अहंकार के परिणति समस्या है, जैके कारण से हम सब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व पंक्ति, हमरा सबके पार्टी आम जनता से एक प्रकार के क्षमायाचना से कर रहा कि अहाँ सब जे जनमत हमरा सबके दिली वही जनमत के हम सब सम्मान नहीं कर सकली, हमरा सबके ही नेता जे नालायक निकलल जरा हम सब पार्टी दल के नेता बनेलिए और प्रधानमंत्री बनेलिए, मुदा देश के जनता के भावना, पार्टी के दृष्टिकोण, निर्णय अपेक्षा विपरीत लोग आशंका है कि आशंका है अहाँ के फिर जो अस्थिरता के राजनीति छे ना जो विगत में 46 साल के बाद देखल गए जो 63 से या संविधान जारी होब से पहले देखल गए 6 महीना में सरकार परिवर्तन, ई अवस्था फिर अतै निश्चित नहीं। अलग अच्छे कि वर्जित तो स्वाभाविक ढंग से संविधाने कह देने है ना, अहाँ के संविधान जो घोषणा भेल वही दुआरे आई लगभग 3 वर्ष तो बीत गए ना प्रधानमंत्री के, अब 2 वर्ष के कार्यकाल है संसद के, तो अब प्रधानमंत्री के पहले तो एक नैतिक रूप में अभियो सोचा एक वरीपरी के आदमी सब तो इमीडिएट राजीनामा अविश्वास प्रस्ताव आदि इत्यादि के प्रक्रिया में नहीं जाए तो निक, मुदा उनकर मतलब पहलकदमी की हो दिन देखल जाए 13 दिन के भीतर में प्रतिनिधि सभा के बैठक बोलब के लागि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सम्मानित सर्वोच्च अदालत निर्देशन देने है। अब बीच में तो 13 दिन तक लील जाए कि 13 दिन के भीतर तो 3 दिन भ सके, 4 दिन भ सके, 5-7 दिन भ सके, कि करे छथि। और अभी भीतर में हम सब अपेक्षा ये रखने पहल 2 बात भ सके, एकटा तो अब हमरा सबके पूर्व पार्टी अध्यक्ष अभी देश के काम चलाऊ वैधानिक हिसाब से काम चलाऊ भ गेलै, लेकिन अपना आप के उ कहि रहल हम अभी संसद पुनर्स्थापना भ गेलै तो काम चलाऊ रही नहीं रहि गेलै। जी जी, तो अब मान लिया जे प्रधानमंत्री है अभी अहंकार छोड़ कर अपना वास्तविकता यथार्थता में जाए तो रिजाइन द कर सहज बाटो दस, किएक तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले माओवादी तात्कालिक समय में एकीकरण से पहले अई ढंग के दुर्घटनापूर्ण बात नहीं भेल रही, से बात नहीं, तात्कालिक माधव नेपाल के सरकार सो या पार्टी भीतर के मतलब अलमत बहुमत के ही कारण से खसल रहे, झलनाथ खनाल के सरकार तई ढंग से खसल रहे, लेकिन उ सब ढंग से दुस्साहस नहीं कल के जे दुस्साहस के पियोली कने चले, तो अभी दुस्साहस के जवाब इनका भेट गए संवैधानिक ढंग से कार्यकर्ता ढंग से कार्यकर्ता पार्टी कमिटी में 2/3
जैसे अधिक मेजोरिटी एक विरोध में है तो यो मतलब देखबे के लिए केंद्र कमेटी के बैठक डाक मतलब हजार के हजार आदमी केंद्र कमेटी में मनोनयन लगात के बात कर ले तो अब सब बात उकर झांकी झेर गेल छे। अब उ सहज ढंग से निकास में जाए कि फोन मतलब असहजता खोज सहज ढंग से निकास देते तुरंत राजीनामा देते संसद के मतलब प्रक्रिया दल के बैठक से अपन दोसर नेता छनते अनेक ढंग के सहज प्रक्रिया भसे नहीं हम मतलब प्रतिनिधि सभा के बैठक फेस करब तो भ सकिए पार्टी भीतर के दल के व्यवस्थापन में किस समय लगते तो व्यवस्थापन लगते कि पार्टी दू टुकड़ा भ अब ये कौन ढंग से अथी करे मतलब केपी ओली यदि नैतिकवान होते पार्टी के लोकतांत्रिक छवि किछो एक में बचल होते उनका में तो बचल नहीं है उनका इर्द गिर्द में अभी किसी आशा भरोसा के व्यक्तित्व सब है युवा नेता सब है जो अंतर पार्टी संघर्ष के लिए काल्हि में ओकरा अहाँ के मतलब प्रदीप गेवाली शंकर पोखरेल पृथ्वी सुबा गुरुंग लगाए के व्यक्ति सब ओकरा समझे बुझावित रह गए नहीं मानलक तो बाध्य भ लतर के गेल रहे आज उनका से हम सब अपेक्षा रखे सुभाष नेमांग से भी अपेक्षा रखे कि समझबत बुझबत आ वास्तविकता से वाफिफ करबत तो एक बात की है कि सहज ढंग से ब्याक भ जता तो एगो मुलुक पार्टी के छह करे नहीं करे पड़ते दोसर ने अहंकार में जेबे करता तो किनका कोर्सो लंबा होते आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से अभी चोइटल समूह है उ कते मतलब बहुत बड़का पंक्ति पुनः पार्टी में ब्याक भ रहा है तो ओकर अवस्था की रहे पार्टी के काल घुमा मान ली एक अवस्था जे हुई लेकिन लोकतंत्र सही ट्रैक में होते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बहुमत के अवस्था रहते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार बनते नहीं तो आन पार्टी के भी सरकार बन सके नेपाली कांग्रेस के बन सके जनता समाजवादी पार्टी के बन सके वा संयुक्त सरकार बन सके आप जो सरकार बनते से दू वर्ष के लागी सरकार बनते कि एक तो संसद के कार्य दू वर्ष के संविधान में त्रुटिपूर्ण अवस्था की छे यदि कोनो हिसाब से प्रधानमंत्री कोनो व्यक्ति प्रधानमंत्री यदि कोनो प्रकार से यदि विश्वास मत प्राप्त कर ले छथिन या केपी ओलिए अगर आई के दिन में जै प्रकार से कोनो भी रास्ता से अगर विश्वास मत जीत जाए छथिन तो दू वर्ष हुनका नहीं हटाएल जा सके एक राजनीतिक स्थायित्व के लिए ली एक निर्णय अपन जगह पर भ सके लेकिन काल के दिन में अवस्था तो फिर वह रहते ने जो अहाँ सबके अगर हट कर अगर केपी ओली के नेकपा कांग्रेस सॉरी नेपाली कांग्रेस समर्थन कर दें जो जसपा समर्थन कर दें तो अवस्था तो अहाँ सबके फिर वह रह जाए हम सब ये चीज में हमारा ये नहीं लग रही या अई केपी ओली के असंवैधानिक कदम के विरुद्ध में सिंगो देश आंदोलित नागरिक समाज आंदोलन छलिए विभिन्न संघ संस्था आंदोलन छलिए और राजनीतिक पार्टी सब में भी एकटा भरखर के उग्र जे कही ना मतलब असार में जन्म भेल तब सावन के कलक बर हरियरी है जस ये जनमत पार्टी है तराई मधेश में जकर अभी कोनो अस्मिता अभी राजनीतिक ढंग से नहीं है कोनो स्थित्व के ढंग से गेल स्थानीय तह के चुनाव संसदीय चुनाव में कोनो पोजिशन नहीं है वही बाहर खुला ढंग से इवन राप्रपा से एगो समूह मात्र के सपोर्ट में गई एगो बहुत बड़का हिस्सा विरोध में रहे नेपाली कांग्रेस संस्थागत ढंग से विरोध कल के यद्यपि शेरबहादुर देवपा के भीतरी साठगांठ रही उपन बात है जनता समाजवादी ओपनली एक विरोध में आंदोलन तो अगर साठगांठ के अगर अवस्था छे तो नेपाली कांग्रेस अगर सरकार अगर नेपाली कांग्रेस समर्थन कर दें केपी शर्मा ओली के तो फिर सरकार तो रह गए नेपाली कांग्रेस के ये अवस्थे नहीं रह गई शेरबहादुर देवपा के अब नैतिक आधार कमजोर भगे नेपाली कांग्रेस बहुसंख्यक पंक्ति के आंदोलन के पक्ष में रहे मुदा वो आंदोलन के धीमी गति में लग गए लेकिन आई जे साठगांठ कैने रहे जे असंवैधानिक नियुक्ति सब 40-42 भेल रहे जैमे एक मतलब केपी ओली के काटो खैने रहे एक नेपाली उखान कहे उ काटो तो मतलब एक उकलब पड़े अभी संवैधानिक नियुक्ति सब बदल कर दिल्ली सर्वोच्च अदालत तो आब नेपाली कांग्रेस अपन रियली फ्रेश भक अगाड़ी बढ़ते आ उ जै प्रकार से एक संवैधानिक प्रतिगमन कैने रहे केपी ओली उ एगो सर्वोच्च अदालत सचिया दिल के बाद रियल स्टेट में जैते आ उ स्वाभाविक ढंग से नेकपा के जो बहुमत पक्ष है जर नेतृत्व अभी सम्मानित अध्यक्ष प्रचंड और माधव कुमार नेपाल कर रहे जोड़े सहकार्य करते आ वही ढंग से हमारा कि लग रहा है कि आब देश में अई प्रकार से जसपा नेपाली कांग्रेस आ नेकपा संयुक्त सरकार संभावना अ दुआरे भी नहीं बन रहा है जे सबसे बड़का धोखेबाज नेपाली कांग्रेस विश्लेषण करे छे तो ओकर नाम छे आके पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सबसे बड़का राजनीति में तिक्रमबाज के रूप में प्रस्तुत करे छे कांग्रेस हो किया तो हुनका बेटी के जिताबा के लेल बहुत बड़का भूमिका खेलने रहे ओ और तकर बाद जे पलट के अहाँ के कांग्रेस के धोखा दल के तो वो सब तो नहीं बिसरल हेतै ना कांग्रेस नहीं देखियो राजनीति में केपी ओली कोनो कमिए कमजोरी नहीं कैने होते माधव नेपाल कोनो कमिए कमजोरी नहीं कैने होती छै नहीं कब कमी कमजोरी राजनीति में करय वाला व्यक्ति सबसे भेल होते जेना रास्ता पर चलै
कार्यकालमे ठेस लागि सकिए, एक्सिडेन्ट भ सकिए, मुदा रस्ते पर चलनाइ छोड़ देबै से बात नै है। नेपाली कांग्रेस भी अपेक्षाकृत केपी ओली वा प्रचंड अभी देश के आवश्यकता की है, यह मतलब देश के लोकतांत्रिक ट्रैक में के जा रहा है। अंध समर्थन अंध विश्वास तक ककरो पर कोई नहीं करे, पार्टी अलग अलग है लेकिन लोकतांत्रिक ट्रैक में के है और विश्वास को प्रचंड पर नहीं करते। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो संस्थापन समूह ते पर करते जो मिनिमम संभावना नहीं है, पार्टी तो नहीं है फूटते, पार्टी में से मतलब निकल के जा सके। आब तो आधार यो नहीं रह गए कि मतलब अहाँ के कथी कह एक प्रकार से अध्यादेश लाब के पार्टी फूर सकिए, न 40% केन्द्र कमिटी में केपी ओली न 40% सांसद में, दुनू में 40% भक मात्र औपचारिक ढंग से पार्टी फूर सके। तै तो लक केपी ओली के आप बाध्य सरेंडर कर के सिवा कोनो संभावना नहीं देख रहा छी। मतलब अहाँ सबके आबि के सत्ता हस्तांतरण कर देता लिए अपन कमी कमजोरी गलती स्वीकार क के जे हमरा से कमी कमजोरी भेल आब आंदोलन के पक्ष में चलो, आंदोलन के मतलब अहाँ सब पार्टी सामूहिक निर्णय प्रणाली में चलो, व्यक्तिगत अहंकार छोड़ब, से कह के जैता तो ओकरो हित में रहती, देशों के हित में रहती, लेकिन की करता अहंकार से डूबल छे। कभी कभार आदमी नासे काले बिना से बुद्धि मतलब भी कह सकिए तो उ तो उनका पर टिकल है, कौन ढंग से प्रस्तुत हो इर्द गिर्द के व्यक्ति तो सबसे कौन ढंग से अबे से आना बाकी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के विषय भ रहा है, की छे अहाँ सबके पार्टी के? निश्चित रूप में राष्ट्रपति के भूमिका अत्यंत विवादास्पद, अत्यंत संशयपूर्ण रहले। राष्ट्रपति के जे गरिमा पर जाकर कुर्सी पर बैठ कर जे भूमिका होबक चाहिए से नहीं रहले, उ कोनो भी व्यक्ति सामान्य नागरिक कह सकिए। क्या तो अ देश में दूटा राष्ट्रपति बनले व्यक्तित्व, पहल राष्ट्रपति रहे रामवरण यादव, दोसर राष्ट्रपति बनले विद्यादेवी भंडारी। मुदा दुनू आदमी में तुलना कल जाए तो आई लोकतांत्रिक चरित्र जते डॉक्टर रामवरण यादव ओहो नेपाली कांग्रेस के महामंत्री भेल रहे, कोनो सहज कोनो नागरिक समाज से आयल नहीं रहे, लेकिन राष्ट्रपति के कुर्सी पर चल गया के बाद जे सहज जे एक न्यूट्रलिटी देखने रहे विद्या भंडारी, कहाँ आकाश कहाँ जमीन, कोनो ढंग से तुलने निकल गए। दृष्टिकोण में अखन जे अहाँ सबके अध्यक्ष है ना पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, प्रचंड के दृष्टिकोण में विद्या भंडारी तेई समय में रामवरण के सबसे बड़का आलोचना, रामवरण के कालो झंडा, रामवरण के अहाँ के घेराव, सब चीज अहाँ के पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादी कने रहे, तो प्रचंडो अहाँ के अपन अपन दृष्टिकोण के आधार में कोनो हुनका हिसाब से तो रामवरण जी अहाँ के बड़ा निक भूमिका नहीं खेलने रहते। राजनीति के घटनाक्रम में की होइ छै कि विगत में जेना 27-28 साल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले बन से पहले कोके काल में वर्ग शत्रु खात्मा अभियान रहने रहे, जे चारू मजुमदार के वेस्ट बंगाल के प्रभाव से भेल रहे, ओकरा समय काल 2035 साल में जब नेकपा माले गठन भेलै तो हमरा सबके कमजोरी रहे, गलत रहे, जे किछु व्यक्ति सबके वर्ग शत्रु खात्मा अभियान के नाम पर किछु सामंत किछु पूंजी मतलब जमींदार सबके जे मतलब कार्रवाई कयने रहे, तेहने जनयुद्ध में के नाम पर भेल किछु गलत प्रक्रिया सबके आई कथी कहै छै प्रचंड जी सेहो जनयुद्ध में भेल किछु गलत पहलकदमी सबके पक्ष में विरोध में अपन क्षमा याचना कऽ चुकल छै। जहाँ तक पहिल सरकार 2064-65 में रहे आ प्रचंड राजीनामा देलक अहाँ के कटवाल प्रकरण में, प्रधान सेनापति प्रकरण में, अहू के सवाल में प्रचंड जी अपना आप के हम ओहि समय में आवेग में आबि के ओहि समय में किनका मतलब निर्णय कयने रही। नेपाल के राजनीति में यदि नेपाल के राजनीति में अगर सामान्य हिसाब से भी कनी एक गंभीर दृष्टिकोण से अगर अध्ययन कैल जाए तो रामवरण यादव सम्मान्य राष्ट्रपति के विदाई सहज नहीं छे, सहज नहीं रहे, सहज नहीं भेले, एक कहूँ ना एक एना बुझू कि हुनकर विदाई सहज नहीं भेले। कृष्ण सिटौला जाकर संसद में अहाँ के हुनके धमकी दै छे जे सावधान अहाँ एना नहीं करब तो अहाँ के हमू देखा देब कि चीज से, इहे अवस्था अहाँ के विद्या भंडारी के अवस्था विदाई होते तो हमरा नहीं लगे जो हुनको सहज विदाई हेते, उत्साहपूर्ण रूप से विदाई होते, ये अवस्था आबि रहल छै। तो राजनीति में लोग की कह रहल छै, राजनीति में टीका नेपाल के राजनीति के बुझा वाला सब तुरंते अगुता के व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खाड़ करे लगे छै कि अवस्था इएह भ रहल छै। अखन लोग के बुझाई की भ गेल छै जे ई दूटा राष्ट्रपति के तऽ अपना सब देखलिए दुनू राष्ट्रपति के भूमिका ठीक नहीं छलै, ते दुआरे आब व्यवस्था पर चिंतन होबय लगलै कि व्यवस्था ठीक कि बेठीक नहीं देखल कॉम्प्रिजन कैल जाए। रामवरण यादव आदरणीय डॉक्टर साहब राष्ट्रपति रहे तो कुछ कमी कमजोरी निकलते हुए एकदम 100% ठीक रहा है से हम नहीं कहें, कॉम्प्रिजनल
विद्या भंडारी आ रामवरण यादव के बीच में तुलना कल जाए तो कमजोरी के परसेंट बहुत कम रामवरण डाक्षम में रहें, मुदा विद्या भंडारी तो सीधे प्रधानमंत्री के रबर स्टाम्प के रूप में प्रस्तुत भेले, चाहे जे अध्यादेश एक बेर अस्वीकृत भ गेल रहे, अध्यादेश जारी कयने रहे संवैधानिक समिति मतलब के कार्य संपादन नियमावली परिवर्तन के, उ 24 घंटा नहीं बीते अगिलका 5-7 महीना पहले फिरता लेने रहे सका दी, वह अध्यादेश उस सरकार यदि पुनः सिफारिश करे तो ओकरा न्याय कानूनविद अपना विभिन्न पंक्ति सब राजनीतिक पार्टी सब सलाह मशवरा कर चाहिए निकल के, संसद विघटन के संसद में अल्पमत में पड़ जाए आ सिफारिश करे केकरो से राय सलाह बिना कहने रबर स्टाम्प जगह में लाह छाप लगे ये सब की देख में लगले कि राष्ट्रपति वो ढंग ढंगी से मुक्त नहीं रहे कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष के पी ओली है आ वही पार्टी के हम उपाध्यक्ष रहिए हमारा अध्यक्ष जो निर्देशन करे से करे पड़ते ये ढंग ढंगी से मुक्त नहीं भ सकला, जबकि उनका चाही छे कि राष्ट्रपति के जिम्मेवारी में चल गए के बाद भूतपूर्व नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष रहे जेना रामवरण यादव भूतपूर्व नेपाली कांग्रेस के महामंत्री रहे उ चीज नहीं कर सकला, ते दुआरे राष्ट्रपति के गरिमा पर बहुत लंबा दाग लगा दिलखिन कोनो दुमत नहीं। अब स्वाभाविक ढंग से संसद में ये बात अत छलफल होते तो संभावना है, तो हमरा की लाग रहा है कि अभी के अवस्था में राम मतलब चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो सहज ढंग से मोरल स्वीकृति लैतिकता सरकार नहीं बनी है सर अपने सबके रहें प्रधानमंत्री के सहज रूप से छोड़ देवक चाहिए, प्रधानमंत्री जो नहीं छोड़लखिन हर बात आबि जे हम सब अहाँ के कोनो न कोनो हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव के फेस करब यदि हमरा पर लगाएल जते, तो यदि वो अवस्था आबै छै तो एकटा बात पार्टी दू खंड में विभक्त भ जेतै एकटा समस्या, दोसर जँ सरकार नहीं बनै छै तो फिर संभावना ई बुझल जाए जे विगत में अहाँ के सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में जे चुनावी सरकार बनल रहे ओहने चोलेंद्र शमशेर के फिर बना के अवस्था वो तो संभावना नहीं है। आब तो संसद अहाँ के सिफारिश जे भेल रहे वहे बदर भ गेल, संसद तक सुचारू भ जेतै 13 दिन के भीतर में, संसद सुचारू भ गेला के बाद में ठीक छै ओ राजीनामा नहीं देत तो स्वाभाविक ढंग से नेकपा है के संसदीय दल के 25% से ज्यादा सांसद सब तो विरोध में अविश्वास के प्रस्ताव लगा देने, अविश्वास के प्रस्ताव से बच के दूटा उपाय है सहज राजीनामा व अविश्वास के प्रस्ताव के फेस कर के बाद, अविश्वास के प्रस्ताव फेस करते तो बहुमत सिद्ध करे पड़ते, बहुमत कौन ढंग से सिद्ध करे क्या तो 138 जे 275 के 138 आबक चाहिए जे 173-174 सीट नेकपा के साथ में है वही में से बहुसंख्यक ओकरा विरोध में अब के एकरा पक्ष में अबे ओकरा पक्ष में आबल नेपाली कांग्रेस आंदोलन केलके जसपा आंदोलन केलके और आबक के कोनो संभावना पार्टी फुट जते ना पार्टी तो व्यापक विभाजन के अवस्था आबि रहल पार्टी नेकपा यदि नेकपा मात्र ने कांग्रेस नेकपा फुटो जाए है तो ओकरा बहुमत पुगे के संभावना नहीं, कांग्रेस ओकरा लागी केला फुटते जहाँ तक लिए अहाँ जो कहलिए कि चोलंद शमशेर के प्रश्न चोलंद शमशेर के बात नहीं, हम अहाँ के संविधान के जे धारा 46 के एक अनुसार पहले प्रधानमंत्री बन के ऑप्शन है थी दू अनुसार बनल एक में रूपांतरण भ गए बनल थी माओवादी केन्द्र आ नेकपा एमाले अलग अलग रहे लेकिन दोनों ज्वाइन भला के बाद एक में एक परिणत भ गई, एक के सरकार जे ढल जेती तो दू में अतें दू आ दू से अधिक के पार्टी बनाऊ, दू के सरकार मतलब नहीं बन सकते तो लार्जेस्ट पार्टी के ऑप्शन अतें लार्जेस्ट पार्टी जे बहुमत नहीं पारित भ सकले तो कोई व्यक्ति जे लार्जेस्ट पार्टी के अवस्था होते कांग्रेस जे लार्जेस्ट पार्टी किया तरह के पार्टी तो फूट जाए तो लार्जेस्ट पार्टी अगर बनले तो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनते, यदि कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनही तो बन सकिए मुदा हमरा नहीं लग रहा है कांग्रेस के साथ में जे 70-72 सीट है वो मतलब लार्जेस्ट पार्टी नेकपा यदि एक मिनट यदि पार्टी फूट जाए छे अही सब लार्जेस्ट पार्टी बने छे है ना प्रचंड माधव तो अहाँ सबके प्रधानमंत्री के बनता है ना, हम सब तो देखियो ला हमरा सब के पहल प्रयत्न में है स्वाभाविक ढंग से आब नेकपा एमाले एकल बहुमत झंडे द्वितीय के बहुमत के सरकार नहीं मतलब दल के अपने नेता के बदमाशी से चला सकल के तो एमाले नेकपा चाहते कि आप सकभर एगो समन्वयकारी सरकार बने, यदि उस सरकार मतलब के बनाब के पहल प्रयास कर तेकर बाद के बाद समन्वय नहीं समन्वय के नेतृत्व एहन जेना दोसर जगह की होइ छै दोसर राष्ट्र सब में एक राजनेता सबके लोक मानक के अवस्था में रहल, नेपाल में लोक आम जनता सब कह रहल छै जे राजनेता नहीं छै जै दुआरे अहाँ के लोक मानक के भी अवस्था में नहीं छै, केपी ओली अगर फिर जाइ छै तऽ अहाँ सब नहीं मानै छै, माधव नेपाल बनै छथिन तऽ केपी जी नहीं मानतै वा कांग्रेस नहीं मानतै, शेरबहादुर देवा हेतै तऽ प्रचंड जी के यदि मान सकिए नहीं मान सकिए, जसपा के उपेन्द्र जी मान सकिए नहीं मान सकिए, तऽ ई अवस्था आबि सकै ताहि दुआरे एकटा नेता पर सहमति हेतै ई अवस्था
व्यवस्था नहीं छै। नहि निश्चित रूप अइ लक संभावना की भेलै तऽ की है कि कोर्स तऽ एक के बाद दू दू के बाद तीन न होते ई तऽ पहिले एकर निकास कोन ढंग सँ होइ छै केपी ओली के सहज बहिर्गमन होइए कि असहज बहिर्गमन होइए ताहि पर बहुते बात टिकल है। सहज बहिर्गमन होतै तऽ स्वाभाविक ढंग सँ नेकपा के ही दोसर नेता अभी दल के नेता बहुमत सँ बनि चुकल छै प्रचंड पार्टी अध्यक्ष बनि गेल छै उनकर संभावना रहते। असहज बहिर्गमन होइए ई कुछ आदमी लऽ कऽ मतलब अगल बगल में जाइए तो हम देख रहल छी कि स्वाभाविक ढंग सँ जसपा नेकपा आ नेपाली कांग्रेस के संयुक्त सरकार बनतै आ संयुक्त सरकार में समझदारीपूर्ण ढंग से कोई नेतृत्व कर सके माधव नेपाल नेतृत्व कर सके प्रचंडो नेतृत्व कर सके उपेन्द्र यादव नेतृत्व कर सके बाबूराम भट्टराई नेतृत्व कर सके महंतो ठाकुर नेतृत्व कर सके शेरबहादुर या रामचंद्र पौडेल नेतृत्व कर सके कोई कर सके सहजपूर्ण ढंग से कोनो बड़के पार्टी कर प्रतिसेवा दे बड़का तो तीनों में स्वाभाविक ढंग से रहते नेकपा ही रहते लेकिन तखुनता अवस्था में कोई कर सके समझदारीपूर्ण अवस्था में मतलब अहाँ सबके हिसाब से यदि अवस्था हेतै तो केपी ओली अगर अविश्वास प्रस्ताव जाय छथिन संसद में यदि वो पराजित भ जाय छथिन तो अहाँ सबके नेता सरकार बनायत प्रचंड जी बनेता या माधव नेपाल दुनू गोटे में से जे सहमति भएर सरकार बनेता जँ अवस्था ई भेलै पार्टी फुटि जाइ छै तऽ ई अवस्था के एकटा अलग किस्म से सिनारियो बनते रहै छै। निश्चित निश्चित एहिके बाहेक एहिके बाहेक हमरा नहीं लागि रहल है अभी के अवस्था में जहाँ तक यहाँ अपने छोलेन्द्र शमशेर के बात है नेपाल के चर्चा है नेपाल संविधान अभी कल्पने नहीं कने काल खुमा के अहाँ के अंतरिम संविधान में भैकम रहे संविधान सभा से संविधान नहीं बनते तेकर परिकल्पने नहीं कल गई संविधान सभा के अवधि समाप्त भ गई सरकार डेट एक्सपायर भ गई तो एगो समझदारीपूर्ण विवेकपूर्ण निर्णय कल गई तैयार के आवश्यकता रहे ऐ के ती गई कि संविधान अनुसार एक क्षेत्र एक दू तीन चार पाँच के अवस्था अंत में एक व्यक्तियों प्रधानमंत्री भ सकिए यदि ओकरा संसद विश्वास करे नहीं भले तो अल्पमत के जो सरकार रहते वो जब सरकार बन के सब विकल्प समाप्त होते तो मात्र नया चुनाव में जीते जेकर संभावना नहीं है नेपाल में ये जनता के मतलब अभी चुनाव नहीं जनता के दू वर्ष संसद के सरकार देने जरूरी थी 275 आदमी आज विभिन्न दल के काम है एकल संयुक्त कोनो भी प्रकार के सरकार दे वही से निकास निकलते निकास चल सर धन्यवाद ल धन्यवाद।